विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयुक्त से चुनाव को पोस्टपोन करने का आग्रह किया है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त से चुनावों को पोस्टपोन करने का अनुरोध किया है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। उनसे कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें, पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। जस्टिस शेखर ने यह टिप्पणी जेल में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी। न्यायालय ने क्या क्या कहा, अब आपको वो भी बता देते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव ने काफी लोगों को संक्रमित किया, इसमें लोग मौत के मुंह में गए। अब फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव निकट है, इसके लिए सभी पार्टियां रैली सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रही है। रैलियों में किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। इसे समय रहते रोका नहीं गया तो स्थिति दूसरी लहर से ज्यादा भयावह होगी। ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली और सभाओं पर तत्काल रोक लगाए। आयुक्त पार्टियों को आदेशित करे कि वह अपना प्रचार दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से करें, संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी एक दो महीने के लिए टाल दें। जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां सभाएं आगे भी होती रहेंगी। जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी लहर में लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए और लोगों की मृत्यु हुई। ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव ने लोगों को काफी संक्रमित किया, जिसमें लोग मौत के मुंह में गए। अब यूपी विधानसभा का चुनाव निकट है, अगर पहले से सावधानी नहीं बरती गई तो पहले जैसे हालात एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने जीवन को ध्यान में रखते हुए चुनाव टालने का जो अनुरोध किया है वह विचारणीय है, क्योंकि जब दूसरी लहर का प्रकोप था उसी समय पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, जिसकी वजह से सरकारों द्वारा समय पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया और चुनावी रैलियों की भीड़ ने कोरोना बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। जिसको ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने यह अपील की है। अब देखना यह होगा कि सरकार और इलेक्शन कमीशन द्वारा इस मामले पर क्या कदम उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए क्या विधानसभा चुनाव टाल देने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।